प्रधानमंत्री जी की शानदार जीत हुई है उस पर मुबारक देने के लिए मैंने उनसे समय मांगा था। तो मैंने मुलाकात के दौरान एक तो उनको मुबारक दी और शुभकामनाएं दी उनके अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए, और मैंने उनको कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के लोगों के और दिल्ली के विकास के लिए ये अहम है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके काम करें। और मैंने उनको भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ हर कदम पे मिलके काम करेगी और उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिलेगा। दूसरा, मैंने यमुना के बारे में प्रधानमंत्री जी से चर्चा की। दिल्ली की जो पानी की रिक्वायरमेंट्स है और दिल्ली में जो पानी का एलोकेशन है ये 90s में तय किया गया था। 94 में आखिरी एलोकेशन दिल्ली को पानी का दिया गया था, जबकि दिल्ली की उस टाइम आबादी बहुत कम थी। और तब से लेके आज तक कोई दिल्ली को एडिशनल एलोकेशन नहीं मिला है, जबकि दिल्ली की आबादी दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है तब से लेके 94 के बाद से आज तक। तो दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में बारिशों के दिनों में यमुना में इतना पानी आता है लेकिन वो सारा पानी बह जाता है। प्रधानमंत्री जी पानी के ऊपर अभी बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हमने पूरा प्लान बनाया है जिसमें आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट भी है और कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स भी हैं, जिसमें यमुना के दोनों तरफ अगर बोरवेल किए जाएँ और छोटी छोटी कई सारी लेक्स बनाई जाएँ तो यमुना के नीचे फ्लड प्लेन यमुना का बहुत बड़ा है। उस फ्लड प्लेन के अंदर एक ही रेनी सीज़न में हम इतना पानी स्टोर कर सकते हैं जो कि पूरे दिल्ली के लिए 1 साल के लिए सफिशिएंट होगा। केवल यमुना के फ्लड प्लेन में हम इतना पानी स्टोर कर सकते हैं, वहाँ से निकाल के पूरा साल दिल्ली पानी पी सकती है। तो मैंने उसमें प्रधानमंत्री जी से सहयोग मांगा कि अभी बारिश आने में 1 महीने का टाइम है, अगर इस वक्त हम लोग कुछ कर पाएँ। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी पूरी योजना केंद्र सरकार को बना के भेज दें, केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। दूसरा, मैंने उनको बताया कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है, अभी और भी बहुत काम करना बाकी है। सरकारी स्कूलों का कायापलट हो गया है, सरकारी स्कूलों में इस बार हमारे नतीजे 94% आए हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि अगर वो आएँ और दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करें तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। उसी तरह से दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक्स में बहुत शानदार प्रगति हुई है और बहुत अच्छे पॉली क्लिनिक्स बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स बने हैं, जिसको नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री देखने के लिए आई, मिस्टर बान की मून जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो देखने के लिए आए। तो इस तरह से अगर प्रधानमंत्री जी भी ये देखने के लिए आएंगे तो उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो उनको मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए और स्कूलों को आके देखने के लिए मैंने आमंत्रित किया। क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी कोई बातचीत हुई है? अभी आज बातचीत नहीं हुई। सर, मेट्रो को लेकर के जो प्रस्ताव आप लोग बना रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं? उस पर कोई खास चर्चा नहीं। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसा हम करने जा रहे हैं। सर, केंद्र सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के आपत्ति है सर वहाँ पे केंद्र सरकार में? नहीं, मुझे नहीं लगता उनको कोई आपत्ति है। देखिए, आयुष्मान भारत को अपने को समझना चाहिए। आयुष्मान भारत देश के कई इलाकों के लिए अच्छी योजना हो सकती है। दिल्ली के अंदर जब दिल्ली सरकार की अपनी स्वास्थ्य योजना है, दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना जिसमें हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को उनका चाहे 30 लाख रुपए का इलाज हो चाहे 40 लाख रुपए का इलाज हो, हर व्यक्ति का इलाज चाहे सरकारी अस्पताल में कराने की ज़रूरत पड़े चाहे प्राइवेट अस्पताल में कराने की ज़रूरत पड़े, दिल्ली सरकार करा रही है। तो ऐसे में आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में केवल कुछ लोगों के लिए जिनके पास स्कूटर नहीं है, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, जिनके पास फ्रिज नहीं है, केवल उन लोगों पे लागू की जाए और केवल 5 लाख रुपए तक लागू की जाए। तो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आयुष्मान भारत योजना का लागू करना सही नहीं होगा। बाकी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे स्वास्थ्य योजनाएं नहीं है, सरकारों की कोई अच्छी इफेक्टिव योजना नहीं है, वहाँ पे आयुष्मान भारत योजना इफेक्टिव हो सकती है।